अच्छे होंगे। और आज आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो मैं रेसिपी लेके आई हूँ वो मैं काले चने की लेके आई हूँ। तो ये जो मैंने काले चने हैं ये मैंने बॉईल करके रख लिया था। तो प्रेशर कुकर में नमक के साथ में पानी डाल दिया था और चने को डाल के इसको बॉईल कर लिया। ये देखिए हमारे चने अच्छे से हो गए हैं। ये मैंने एक चना लिया है, ये देखिए अच्छी तरीके से हो गए हैं। तो ये मेरे बॉईल चना है। और यहाँ पे मैं मसाले के लिए ले रही हूँ कुछ हरी मिर्च, एक प्याज, और यहाँ पे मैंने एक बॉईल आलू लिया है और दो टमाटर। और अभी हम इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। और इसको बनाना बहुत ही सिंपल है और बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में, स्पेशली राइस के साथ में बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं मसाले की तैयारी करी, तो मैंने मसाले में टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, काली मिर्च और साथ में जीरा को अच्छे तरीके से इसको मैं अभी इसको ग्राइंड कर लूँगी अच्छे से। तो ये हमारा पेस्ट बनके तैयार हो गया है। अब इसी पेस्ट में हम मसालों को ऐड करेंगे। और साथ में मैंने यहाँ पे तेज पत्ता भी ले लिया है, तो हमें इसको भी डालेंगे। अगर आपके पास छोले मसाले हो तो सब्ज़ी और भी ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो यहाँ पे हम एक चम्मच धनिया पाउडर लेते हैं, आधा चम्मच हल्दी पाउडर। और फ्रेंड्स यहाँ पे हमने हरी मिर्च को पीस के भी डाला, इसलिए आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा डालिए, अगर कम पसंद है तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। तो यहाँ मैं थोड़ा सा, मेरे पास कुटी हुई लाल मिर्च है तो मैं वो डाल दूँगी। उसके बाद इसमें मैं गरम मसाला ऐड करूँगी। ये हमारा गरम मसाला ऐड करेंगे आधा चम्मच। और फ्रेंड्स आप चाहे तो गरम मसाला सब्जी बनने के बाद भी डाल सकते हैं, बट मैं पहले भी डाल रही हूँ बाद में भी डालूँगी। और अगर आपके पास छोले मसाले हो अगर उसको भी डाल सकते हैं तो टेस्ट और लाजवाब होगा। चाहे तो थोड़ा खट्टा करने के लिए आप आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, बट मैं नहीं डालूँगी। हमारा पेस्ट तैयार हो गया है, अभी हम इसमें नमक ऐड कर। तो ये मेरे पास एक चम्मच नमक है, मैं थोड़ा सा और यूज़ करूँगी, आप अपने हिसाब से यूज़ करिएगा। तो ये मैंने नमक भी ऐड कर दिया है, मेरा गरम हो गया है। अब मैं इसमें सरसों ऑयल डालूंगी। तो ये तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम तेल मेरा गरम हो गया है, तो मैंने जीरा डाल दिया। साथ में मैं यहाँ पे दो तेज पत्ते डाल दूंगी। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा मसाला बहुत अच्छे तरीके से भुन रहा है, देखिए तेल छोड़ने लगा है। तो इस तरीके से आप और इसका फ्लेम थोड़ा तेज कर दीजिए। फिर यहाँ पे मैं अच्छे तरीके से।
तरीके से मिला लीजिए। सब्जी का तड़क कितना अच्छा है और अभी जब पूरी रेडी हो जाएगी तो इसे चने भी मसालों को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व कर लें, जिसे मसाले अच्छी तरीके से कुक हो जाए। फिर इसके बाद इसको थोड़ी देर चलाने के बाद इसको पाँच मिनट फिर मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी। तो फ्रेंड्स ये देखिए सब्जी अच्छी से हो रही है। इसके बाद हम इसे पानी डालेंगे और फिर हम इसमें पानी ऐड करेंगे। फिर इसको अच्छी तरीके से मिला देंगे। फिर इस तरीके से मिला दीजिए। बस मुझे धीरे धीरे भी रखें अब यहाँ पर मैंने कुकर में सीटी लगा दी। अब इसमें दो या तीन सीटी आने तक हम वेट करेंगे। ये देखिए हमारी सब्जी बनके तैयार हो गई, कितनी टेस्टी लग रही है ये देखिए। और ये बहुत ही अच्छी बनी है, आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। चलिए इसको अभी हम सर्व करते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारी सब्जी तैयार हो गई और इसमें मैंने गरम मसाला भी ऐड कर दिया है। रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेहा नीला ऑफिशियल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, जिससे हमारी कोई भी वीडियो है वो आप तक जरूर आए। तो प्लीज़ थैंक यू।